हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने इस लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की एक डीपीपी को सॉल्व करेंगे। इस डीपीपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके जो टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर हो चुके हैं उसी पर बेस्ड हैं। इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से रिफ्रेश हो चुके होंगे। मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। हर एक क्वेश्चन के पीछे उसके सारे ही जो ऑप्शंस हैं सबका डिस्कशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते जाएंगे। और साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आप क्या करें, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और उस क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छे से बाय हार्ट पढ़ा है तो। अब मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व तो करूँगा ही, सॉल्यूशन तो उसका दूंगा ही, लेकिन साथ में एक अच्छे लेवल पे हम उसे एनालाइज भी करेंगे कि ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन के से रिलेटेड और क्या थॉट्स हो सकते हैं और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और हर एक ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी जाएंगी। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ये डीपीपी विद क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं वो है द ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ठीक है, द ओव्यूल इन एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। तो हमें ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, वो पता लगाना है। हमारे पास ऑप्शन है मेगा स्पोरेंजियम, मेगा गैमिटेंजियम, माइक्रो गैमिटेंजियम और मेगा स्पोर। अब यहां पे सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि साइंस में अगर मेगा टर्म है, ठीक है, मेगा एज इन जब वो किसी मेल फीमेल को बोल रहा हो तो मेगा टर्म इज एसोसिएटेड विद फीमेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और माइक्रो टर्म जो होता है वो मेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो यहां पे जो ओव्यूल है, सबसे पहले आपको ये जानना है जो ओव्यूल है भाई ये मेल का स्ट्रक्चर होता है कि फीमेल का, तो 100% फीमेल का स्ट्रक्चर है तो हमारे पास से ये ऑप्शन तो कट ही गया, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये माइक्रोगैमेटेंजियम है, ठीक है, और ओव्यूल जो है वो फीमेल का स्ट्रक्चर है तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कोई ऐसा टर्म होगा उसके साथ जिसमें आगे मेगा लगा हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। अब क्या ये मेगा स्पोरेंजियम है या मेगा गैमेटेंजियम है या मेगा स्पोर है, सबसे पहले हम ये दो टर्म डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म होता है स्पोरेंजियम, ठीक है, एक टर्म होता है गैमेटेंजियम। स्पोरेंजियम एंड गैमेटेंजियम, स्पोरेंजियम टर्म से हम क्या समझते हैं, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोर बियर करे, ठीक है, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर और ऑर्गेन इज कॉल्ड एज स्पोर स्पोरेंजियम। तो ये क्या होगा, स्पोर बियरिंग ऑर्गेन, स्पोर बियरिंग ऑर्गेन। गैमेटेंजियम सिमिलरली, तो गैमेटेंजियम भी क्या होगा, गैमीट बियरिंग ऑर्गेन, जिस ऑर्गेन के अंदर गैमीट प्रेजेंट हो, तो इट इज गैमीट बियरिंग, गैमीट बियरिंग ऑर्गेन, ठीक है। तो स्पोरेंजियम इज स्पोर बियरिंग ऑर्गेन, गैमेटेंजियम इज गैमीट बियरिंग ऑर्गेन। तो मेगा स्पोरेंजियम का मतलब है वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगा स्पोर यानी फीमेल का स्पोर प्रेजेंट हो। तो मेगा स्पोरेंजियम का मीनिंग क्या होगा, मेगा स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलरली मेगा गैमेटेंजियम,
तो गैमिटेंजियम तो गैमीट बियरिंग ऑर्गेन है, और मेगा एसोसिएटेड टर्म किसके लिए? फीमेल के लिए। तो मेगा गैमिटेंजियम क्या हो जाएगा? फीमेल गैमीट बियरिंग ऑर्गेन, यानी वो ऑर्गेन जिसके अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट हो या डेवलप करे। ठीक है, तो भाई इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, फीमेल गैमीट बियरिंग ऑर्गेन। क्लियर है कि नहीं, है ना? अब तो याद करो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डायरेक्टली फीमेल गैमीट प्रेजेंट है ना? तो एंजियोस्पर्म में जैसे ही हमें फीमेल गैमीट याद आता है या फीमेल गैमीट बोला जाता है, तो हम तुरंत हमें याद आ जाता है क्या, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग एपरेटस है उसी में क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है ना बीच में उसी में। तो यस, जो गैमिटेंजियम है यानी वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर डायरेक्टली फीमेल गैमीट पैक है, वो क्या है, वो तो एम्ब्रियो सैक है। यानी मेगा गैमिटेंजियम क्या होता है, वो एम्ब्रियो सैक को कहलाता है। ठीक है, तो मेगा गैमिटेंजियम इज द टर्म एसोसिएटेड विद एम्ब्रियो सैक इन द प्लांट्स। तो यहां पे ये जो टर्म है मेगा गैमिटेंजियम, ये किसके लिए है, इट इज फॉर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इट इज फॉर एम्ब्रियो सैक। तो हमारे सामने से एक और ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए हट गया। ठीक है, पता चल गया भाई मेगा गैमिटेंजियम तो एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं, तो ओव्यूल को नहीं बोल सकते, है ना? अब याद करो एम्ब्रियो सैक डेवलप कैसे हुआ था, याद करो एम्ब्रियो सैक डेवलप कैसे हुआ था। तो एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर। एम्ब्रियो सैक किससे डेवलप हुआ था, मेगास्पोर से ना। तो एम्ब्रियो सैक इट डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर। याद आनी चाहिए देखो हर एक चीज, है ना? तो ये जब मेगास्पोर से डेवलप हुआ है, और एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं? अगर हम देखना चाहें यहां पे, तो भाई ये ओव्यूल होता है ना, एम्ब्रियो सैक तो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो एम्ब्रियो सैक प्रीवियस में क्या था, मेगास्पोर था, मेगास्पोर से क्या डेवलप हुआ है, ये एम्ब्रियो सैक बना है। तो इसका मतलब ये एम्ब्रियो सैक इट वॉज प्रीवियसली मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर किसके अंदर था, Yes, it was inside ovule. ये ovule के अंदर था। तो ovule के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, मेगास्पोर, और मेगास्पोर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में। ठीक, तो ovule was the one inside which मेगास्पोर got developed. ठीक है, तो इसका मतलब ovule के अंदर मेगास्पोर डेवलप हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि जो ovule है वो है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो अपना यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, ovule is मेगास्पोरेंजियम, टेक्निकल टर्म फॉर ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, दैट इज ओव्यूल इन एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, है ना? देखो ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके सबके मीनिंग अच्छे से अपने को आने चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर, इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट विद। तो याद करें जब हम लोग एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पे पढ़े थे हाउ मेनी सेल्स, 7 सेल्स, एंड दीज 7 सेल्स वर 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स इन द एग एपरेटस which include 2 synergid and 1 egg cell, yani female gamete, and a large central cell with 2 polar nuclei. ठीक है, फिर उसी discussion में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये जो अपना हर एक cell का क्या function होता है, तो वहीं पे अगर हमें याद करें कि हमने पढ़ा था कि जो central cell है इसके अंदर present 2 polar nuclei, 2 polar nuclei ये आपस में fuse कर जाते हैं। ठीक है, आपस में फ्यूज करने के बाद ये क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस
सेकेंड मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसी से डेवलप होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दैट इज एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट्स विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। यस, विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्लियर है। अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आगे चल के तो एक्सप्लेन हो गई जब आगे के टॉपिक्स कंप्लीट होंगे इस चैप्टर के, बट अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी है वो क्या है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, तो अपने को पता होना चाहिए जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो बना है आफ्टर फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई। ईच न्यूक्लियस इन साइड एम्ब्रियोसैक इज हैप्लॉइड, तो दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए तो सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एन प्लस एन, है ना, एन प्लस एन। और अपना जो मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, इसकी प्लॉइडी होती है एन। तो जब ये तीनों फर्टिलाइज करेंगे तभी क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनेगा, बनके तैयार होगा। तो इन तीनों के मिलने से जो प्लॉइडी बनेगी एंडोस्पर्म की वो क्या बनेगी, एन प्लस एन प्लस एन, दैट इज 3n। तो अगर एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कभी पूछी जाए अपने को अभी कहीं पे मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है और सीधे बोल देना है कि वो क्या होगा, इट इज ट्रिप्लॉइड, दिस ट्रिप्लॉइड, क्लियर। तो दो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, आगे चलते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आया और वो कुछ बोल रहा है आपसे कि द टर्म फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन इज सिनोनिम फॉर, सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है, यानी सेम मीनिंग, है ना, सिमिलर, सेम मीनिंग, सिनोनिम, सेम मीनिंग, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कोई और अल्टरनेटिव टर्म है अपने पास। तो हमारे पास ये चार टर्म्स हैं, इनमें से एक ढूंढना है जो फर्टिलाइजेशन के लिए सिनोनिम हो। तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं क्या, कि सिनगैमी, सिनगैमी इज द अल्टरनेट टर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। हम फर्टिलाइजेशन को कई बार सिनगैमी भी बोल देते हैं, ठीक है, जहां पे गैमस मीन्स मैरिज या टू यूनाइट, ठीक है, सिन मीन्स सेम टाइप ऑफ। तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो गैमीट्स, यानी गैमीट मतलब सेम टाइप ऑफ सेल्स, तो दो गैमीट फ्यूज कर रहे होते हैं इसीलिए से क्या बोल देते हैं, सिनगैमी, यानी सेम टाइप, फ्यूजन ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल्स, यानी बिटवीन द टू सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज गैमीट सेल्स, है ना। अच्छा, बाकी के मीनिंग्स बता सकते हैं, यस, व्हाट इज होमोगैमी, तो होमोगैमी इज, व्हाट इज होमोगैमी, होमोगैमी इज मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एट सेम टाइम, याद है कि नहीं, यस, कहां पढ़ा है हम लोगों ने ये, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम इन द फ्लावर, ठीक है, ये कहां पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है डिवाइसेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन में, है ना। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स होते हैं उनमें एक मॉडिफिकेशन होता है, उनमें एक डिवाइस होता है, एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर पाते हैं, और वो तरीका क्या है, वो तरीका है उनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो सेम टाइम पे मैच्योर करते हैं, है ना। ऑटोगैमी बताने की जरूरत है, तो ऑटोगैमी इज व्हाट, ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ही जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं दैट इज ऑटोगैमी। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए टेक्निकल टर्म क्या यूज करते हैं, दैट इज जीनोगैमी, है ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं एक, शायद तुम इस टर्म को बोलोगे कि पहली बार सुन रहे हैं, एपोगैमी, है ना, कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करेंगे इसको, आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सिनगैमी है, ये मैं लिख यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सिनगैमी है। अब व्हाट इज एपोगैमी,
एपोगेमी क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बता दूंगा आपको, और फिर इसी चैप्टर के एंड में हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कहीं पे भी टर्म आए एपो, ठीक है, कहीं पे भी अगर टर्म आता है एपो, तो दैट मीन्स विदाउट, दैट मीन्स विदाउट, है ना। और गैमस टर्म से तो आप जानते ही हैं क्या होता है, तो गैमस मीन्स टू यूनाइट, ठीक है, मैरिज। यूजुअली इस टर्म का इस्तेमाल, गैमस टर्म का इस्तेमाल हम लोग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए करते हैं साइंस में ज्यादातर, है ना। तो व्हाट इज एपोगैमी, एपोगैमी इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, बिना गैमेट के फ्यूजन हुए अगर कुछ हो रहा है दैट इज कॉल्ड एपोगैमी। तो एपोगैमी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए फॉर्मेशन ऑफ सीड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर कहीं पे सीड बन रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो दैट इज कॉल्ड एज एपोगैमी। यूजुअली क्या होता है कि सीड कब बनती है, भाई सीड क्या बनी, सीड मतलब प्लांट की अगली जनरेशन ना। सीड होता क्या एक्चुअली में, हम मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, सीड एक तरीके का ओव्यूल ही है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज कर चुके हैं, है ना। अब तो ये ओव्यूल सीड में कब कन्वर्ट होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज कर जाए। अब अगर मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज ना कर पाए और तभी भी ओव्यूल किसी और फिनोमिना से सीड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोगैमी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझ लें, आगे हम इसके और रीजन समझ लेंगे कि कैसे एपोगैमी पॉसिबल होती है, क्या क्या कंडीशंस में पॉसिबल होती है। इस चैप्टर के एंड में आते आते हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके चारों ऑप्शंस डिस्कस किए और जो आंसर है करेक्ट वो यहाँ पे हमें मिला। अब आते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन बोल रहा है विवी पेरी इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो यहां पे टर्म आया है विवी पेरी। विवी पेरी, ओवी पेरी, ये टर्म्स से आप फेमिलियर होंगे। वो ऑर्गेनिजम्स या वो फिनोमिना जहां पे एक ऑर्गेनिज्म, वो फिनोमिना जहां पे एक ऑर्गेनिज्म एग ले करता है, यानी फॉर्म्स एग एंड देन द न्यू ऑफ स्प्रिंग कम्स आउट फ्रॉम दैट एग, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ओवीपेरी, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिज्म विच डज द सेम इज कॉल्ड एज ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन अनदर सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म देर इज अ फीचर ऑफ गिविंग बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग वन, यानी फ्रॉम देयर बॉडी दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस, and that phenomena is called viviparry and that set of organism is called viviparous organism, है ना। ये अपने को पता है पहले से। अब तो जो ये viviparry है, तो पहले कोशिश करो ये समझने की कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में यूजुअली क्या होता है, viviparry होती है कि oviparry होती है। तो देखो प्लांट ज़्यादातर आप देखेंगे तो कभी भी नए प्लांट को बना करके नहीं छोड़ता है। प्लांट यूजुअली सीड फॉर्म करता है और सीड के जर्मिनेशन से फिर नया प्लांट अराइज होता है, है ना। तो सीड का जर्मिनेशन एक तरीके से एग के हैचिंग या एग से इंडिविजुअल के बाहर निकलने से कंपेयर किया जा सकता है। तो यूजुअली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दे आर ओवीपेरस, दे आर सिमिलर टू ओवीपेरस, है ना। देयर फिनोमिना ऑफ गिविंग बर्थ, देयर फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म इज लाइक द ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म, है ना। तो कहीं पे क्या हमें विवीपेरी दिखती है किसी कुछ प्लांट में, जहां पे एक प्लांट नए प्लांट को बना के दे। तो अगर आप याद कर पाए एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइलम, है ना, ब्रायोफाइलम का अगर आप एग्जाम्पल याद कर पाए,
जो मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड में पढ़ाया है। तो ब्रायोफाइलम इज अ प्लांट विच परफॉर्म्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरली विद द हेल्प ऑफ देयर लीफ। ठीक है, उनमें उसके लीफ में ही नया प्लांट उसके साइड साइड में, लीफ के साइड में आता है ना, तो और वो फिर छोटा सा प्लांट बन के ही उसमें से रिलीज होता है। ऐसा क्यों होता है वो पूरा मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मॉर्फोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको मिलेगी वो चीज़ें। तो क्या उस कंडीशन को हम विविपेरी से कंपेयर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, और वो ब्रायोफाइलम क्या है? दैट ब्रायोफाइलम इज ए हेलोफाइट। हेलोफाइट का मतलब क्या होता है? वो प्लांट्स जो कि हाईली सलाइन, देखो इन साइंस सलाइन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए हेलाइन, यानी सलाइन और हेलाइन ये एक ही टर्म है, ये सॉल्ट के ही नेचर की बात करते हैं। ठीक, तो अगर हम बोले हेलाइन तो हेलाइन का मतलब है कि वहां पे सॉल्टी नेचर है, सॉल्टी सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम भी एक तरीके का ऐसा ही प्लांट है जो हाईली सलाइन सॉइल में रहता है, हाईली हेलाइन सॉइल में रहता है, ऐसा ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब उस तरीके की कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स अगर सीड बनाएंगे और सीड शेड करेंगे तो क्या होगा? उनका सीड के जो सेल्स हैं उनकी प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, क्योंकि जो सोल्यूशन में, जो सोल्यूशन उनके आसपास है, जो सॉइल उनके आसपास है, वो क्या है? वो हाईली सलाइन है। इसका मतलब वो हाईली हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और जब भी कोई प्लांट सेल हाईली हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पड़ेगा तो उसका प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, और अगर सीड के साथ ऐसा हुआ वो एक्टिव ही नहीं रहा तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस तरह के प्लांट्स जो हेलोफाइट्स होते हैं, जो हाईली सलाइन कंडीशन में रहते हैं, वो प्रिफर करते हैं क्या करना? विविपेरी जैसा ऑप्शन ढूंढते हैं वो। ठीक है, वो छोटा सा प्लांट बना के ही उसको शेड करते हैं, और ब्रायोफाइलम उसी तरीके के प्लांट का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हेलोफाइट्स मैंग्रूव्स यानी दलदल में रहने वाले प्लांट जो हाईली सलाइन कंडीशन में रहते हैं प्लांट्स, ठीक है, वो प्लांट प्रिफर करते हैं विविपेरी। ठीक है, बाकी प्लांट्स में हमें ओविपेरी के जैसा फिनोमिना देखने मिलता है, दैट इज सीड इज फॉर्मड एंड देन सीड इज शेड व्हिच जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट, बट इन केस ऑफ हेलोफाइट्स अ स्मॉल सीडलिंग, अ स्मॉल प्लांटलेट इज प्रोड्यूस बाय द प्लांट एंड दैट प्लांटलेट इज शेड फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, तो ये है। हाइड्रोफाइट्स तो पता है ना क्या होते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर में रहने वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। जीरिक, जीरो या जीरिक, ये टर्म होता है मॉइस्चर डेफिशिएंट। तो ऐसे प्लांट जो बहुत ही कम मॉइस्चर वाली कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, एक तरह से डेजर्ट में जो रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। ठीक, हेलोफाइट्स जो हाईली सलाइन सॉइल में रहते हैं, और मीजोफाइट्स जो ऐसी सॉइल में रहते हैं जो कि मॉडरेटली वाटर्ड है, यानी जिसमें पानी की ना बहुत कमी है ना ही पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर देख पाए। चलिए अब हम क्या कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, जो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स आर हैप्लॉइड। यस, इनमें से दो दो के ग्रुप्स बने हुए हैं हर एक ऑप्शन में, आपको ढूंढ निकालना है ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों ही जो टर्म्स हैं, दोनों ही जो प्लांट पार्ट हैं वो हैप्लॉइड हो। हैप्लॉइड ढूंढना है। तो पहला है अपने पास न्यूसिलस एंड एंटीपोडल्स, है ना, तो न्यूसिलस इज पार्ट ऑफ ओव्यूल या बॉडी ऑफ ओव्यूल, इसको हम बॉडी ऑफ ओव्यूल बोलते हैं, क्योंकि भाई ज्यादातर ओव्यूल का हिस्सा क्या है? न्यूसिलस ही बना रहा है ना। तो न्यूसिलस जब ओव्यूल का पार्ट है, और ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो इसलिए न्यूसिलस इज टू एंड, न्यूसिलस डिप्लॉइड है।
ठीक है, एंटीपोडल्स, यस एंटीपोडल एम्ब्रियोसैक के सेल्स हैं तो दे आर हैप्लॉइड। तो यहाँ पे न्यूसेलस डिप्लॉइड है और एंटीपोडल हैप्लॉइड है, तो ये भी अपने क्वेश्चन में जो फ्रेम हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो अपना आंसर ये नहीं होगा। सेकेंड आते हैं एंटीपोडल्स एंड एक्सेल। यस एंटीपोडल्स दे आर हैप्लॉइड, एक्सेल फीमेल गैमिट, गैमिट है तो गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो यस दिस इज अवर डिजायर्ड पेयर, यही अपने ऑप्शन है जिसमें दोनों हैप्लॉइड हैं। देन एंटीपोडल्स, यहां पे थर्ड ऑप्शन में एंटीपोडल दे आर हैप्लॉइड एंड मेगास्पोर मदर सेल। यस तो मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, उसमें मियोसिस होके क्या बनता है मेगास्पोर विच इज हैप्लॉइड, तो इट इज डिप्लॉइड, इट अंडरगो मियोसिस है ना टू फॉर्म मेगास्पोर, मेगास्पोर विच इज हैप्लॉइड एंड मेगास्पोर अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन न्यूक्लियर नेचर के शुरू में, ठीक है, और वो बनाते हैं फिर क्या डेवलप करते हैं अपने एम्ब्रियो सैक को, वो पूरी चीज आपको पता है। ठीक, तो ये भी अपना ऑप्शन यहां पे डिजायरेबल नहीं है। अगला है न्यूसेलस, तो अगेन न्यूसेलस इज डिप्लॉइड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमिट, उससे बनता है ना ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म होता है दो पोलर न्यूक्लियस के फ्यूजन से, तो इसकी प्लॉइडी क्या होती है एन प्लस एन। ठीक है, मेल गैमिट गैमिट है, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो एन दोनों मिलेंगे तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, दैट इज 3N जो होगा 3N, तो ये भी अपना डिजायरेबल ऑप्शन नहीं है। अपने पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, दैट इज एंटीपोडल एंड एक्सेल, दे बोथ आर हैप्लॉइड। नेक्स्ट बोल रहे हैं एक कॉलर लाइक आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ ओव्यूल एंड फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ थर्ड इंटेगुमेंट, थर्ड इंटेगुमेंट के जैसे एक कॉलर लाइक आउटग्रोथ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैरंकल, कॉलर लाइक आउटग्रोथ इज कॉल्ड कैरंकल। ठीक है, तो यहां से एक फैक्ट के बेसिस पे अपने को ये टर्म याद करना है, तो इसमें बाकी टर्म क्या बोल रहे हैं, ओपरकुलम, तो ओपरकुलम किसी ओपनिंग को बोलेंगे हम लोग, कहीं पे अगर कोई ओपनिंग होती है तो कहीं कहीं पे उसको ओपरकुलम बोलते हैं, बहुत जगहें ऐसी हैं, ठीक है, एक जगह नहीं है तो अपन एक पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि ओपरकुलम क्या है, बहुत जगह पे ओपरकुलम मिलता है अपने को। वन सच एग्जांपल इज द हाइपेंथोडियम इनफ्लोरोसेंस ऑफ फिग, कॉमा, कॉमा तो नहीं बोलते उसको, एरिल, एरिल क्या होता है, एरिल भी थर्ड इंटेगुमेंट होता है लेकिन ये फ्लैशी होता है, ठीक है, फ्लैशी थर्ड इंटेगुमेंट, मतलब इट इज रिगार्डेड एज द थर्ड इंटेगुमेंट और ये होता है फ्लैशी और इसे खा सकते हैं, इट इज एडिबल, ठीक है, और ये पाया जाता है लीची में, है ना, तो एरिल क्या होता है, इट इज फ्लैशी, ठीक है, इसे थर्ड इंटेगुमेंट के जैसे ही ट्रीट करते हैं, और ये एडिबल होता है, एडिबल का मतलब खाने लायक होता है, ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ नॉर्मल प्लांट सडनली स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग पार्थिनोजेनेटिकली, तो अगर एक नॉर्मल प्लांट है वो पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करने लगे, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ऑफ सेकेंड जनरेशन टू इट्स कंपेयर टू इट्स पेरेंट विल बी, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो ये एक कोई प्लांट है ए,
है ना एक्चुअली में, ये ए प्लांट है कोई भी, प्लांट तो नहीं है ये, दिख तो नहीं रहा है प्लांट जैसा, बट स्टिल अपन रिज्यूम करेंगे, है ना। तो नॉर्मल प्लांट जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। इस प्लांट ने एकदम से स्विच कर दिया और ये क्या करने लगा, पार्थिनोजेनेसिस करने लगा, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस करने लगा। पार्थिनोजेनेसिस करने पर इसकी कोई तो एक न्यू जनरेशन आई मान लो, तो बोल रहा है इस जनरेशन की प्लॉयडी क्या होगी, व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ दिस जनरेशन, अपने को इतना ही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ऐसे ही समझ के इसका आंसर दीजिए, इसके पेरेंट्स से कंपेयर करो और बताओ प्लॉयडी क्या होगी इसकी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ कि भाई प्लॉयडी बताइए। तो अगर ये डिप्लॉयड है, पार्थेनोजेनेसिस करने लगे, तो अगली जो जनरेशन आएगी उसकी प्लॉयडी क्या बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को समझना होगा कि एक्चुअली व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। पता ही अपने को व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, इट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है अगर प्रोसेस में, तो उसी को हम बोलते हैं कि आप पार्थिनोजेनेसिस, हमने आप लोग ऑलरेडी जानते हो उस डेफिनेशन को। तो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग, एग मतलब फीमेल गैमीट से ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो एग क्या होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? यस इट इज हैप्लॉइड, गैमीट है, गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस से बनने वाला जो इंडिविजुअल होगा वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? इट विल बी हैप्लॉइड, क्योंकि वो इंडिविजुअल बना किससे है, एग सेल से बना है। एग सेल में कुछ भी हुआ होगा, मियोसिस हुए होंगे खूब सारे, और उससे नया वो जनरेशन बनी होगी। तो एग सेल क्योंकि ये खुद ही हैप्लॉइड होता है, तो जो नई जनरेशन है उसकी प्लॉयडी क्या हो जाएगी, एन, दैट इज हैप्लॉइड। तो एज कंपेयर टू द पेरेंट प्लांट, जो नई जनरेशन आ रही है उसके अंदर जो प्लॉयडी है वो क्या है, उसकी आधी है, उसकी हाफ है। तो प्लॉयडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द पेरेंट विल बी हाफ, है ना, दैट विल बी हाफ, 1/2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब यहां पे वो बताना चाह रहा है एंथर वगैरह, है ना, प्रोड्यूसेस बोथ एंजाइम्स एज वेल एज हॉर्मोन्स, एंजाइम भी बनाए और हार्मोन भी बनाता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर के बताइए। चलिए डिस्कस करेंगे इसको, इसको पूरा हटा देता हूं मैं, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपन। देखिए, तो सबसे पहले अपन अगर स्टार्ट करें डिस्कशन से, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो टैपेटम रहेगा, है ना, इसका बनना। तो टैपेटम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बाकी कर लेते हैं। एंडोथीशियम, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एंथर, सब एंथर वॉल है ना, ये एंथर वॉल है, ये एंथर वॉल है, ये एंथर वॉल है, सॉरी ये नहीं, ये एंथर वॉल है। तो टैपेटा एंडोथीशियम का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, और इसका एक काम होता है दैट इज डेहिसेंस ऑफ एंथर, याद है कि नहीं, कि कुछ एंडोथीशियम के सेल्स जो कि दो पॉलन सैक के बीच में मिलते हैं, है ना, वो एंडोथीशियम सेल्स दे आर थिन वॉल्ड, वो थिन वॉल्ड होते हैं, है ना, और दे आर हाइग्रोस्कोपिक, तो हाइग्रोस्कोपिक हैं तो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेंगे, थिन वॉल्ड हैं तो जब ज्यादा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेंगे तो जो मॉइस्चर है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ये बस्ट हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे तो एक ओपनिंग बनाएंगे, उसी ओपनिंग को, उसी स्पॉट को हम लोग स्टोमियम बोलते हैं, और वहीं से निकल के चला जाएगा अपना पॉलन ग्रेन। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर करने में हेल्प करते हैं अपने एंडोथीशियम, इनका ये काम है, और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। देन आर्केस्पोरियम, तो आर्केस्पोरियल सेल्स वो एकदम शुरू वाले जो एंथर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा,
ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स का फंक्शन याद है, मिडिल लेयर्स ये फूड को रिजर्व करते हैं पहले शुरू में, दे रिजर्व फूड, और बाद में यही फूड को ये टैपेटम को ट्रांसफर भी तो करते हैं, बाद में ये फूड को टैपेटम को दे देते हैं, दे ट्रांसफर फूड टू टैपेटम, पहले रिजर्व करेंगे, इकट्ठा करेंगे और बाद में वो ट्रांसफर कर देंगे टैपेटम को, जिससे टैपेटम खाना खिला पाए, किसको, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। अब टैपेटम देखिए, टैपेटम एंजाइम भी बनाता है और हॉर्मोन्स भी बनाता है। टैपेटम याद करो एक एंजाइम बनाता था कैलेज, ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम हेल्प करता है जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड किससे, कैलोज की लेयर से कवर रहता था कि नहीं, और इस जब तक ये माइक्रोस्पोर्स इस लेयर से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो डेवलप करना स्टार्ट नहीं करेंगे और पॉलिनियन नहीं बन पाएंगे। तो टैपेटम क्या किया करता था, कैलेज नाम का एंजाइम बना के इस कैलोज लेयर पे गिराता रहता था, जिसकी वजह से ये लेयर ब्रेक हो जाया करती थी, है ना, और माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट आगे बढ़ता था और वो पॉलिनियन बनाते थे। तो ये एक एंजाइम होता है जो टैपेटम बनाता है कैलेज, ठीक है। दूसरा, टैपेटम कई सारे ग्रोथ हॉर्मोन्स भी बनाता है, सेक्रीट करता है, कई सारे ग्रोथ हॉर्मोन्स को सेक्रीट करता है, वन ऑफ विच इज ऑक्सिन, और इस ग्रोथ हॉर्मोन को वो पॉलन ग्रेन पे कोट कर देता है, ठीक है, इस ग्रोथ हॉर्मोन को वो पॉलन ग्रेन्स पे कोट कर देता है, और ये ग्रोथ हॉर्मोन्स पॉलन ग्रेन के सरफेस पे कोट होने से क्या होता है कि जब भी ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में जाते हैं, स्टिग्मा में जाके बैठते हैं, तो स्टिग्मा देखती है, इस हॉर्मोन्स को फील करती है और उसे पता चल जाता है कि पॉलन ग्रेन आ गया है। तो वन ऑफ द सिग्नल्स दैट पॉलन ग्रेन हैज केम ऑन द स्टिग्मा इज द इंटरैक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स दैट इज कोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ पॉलन ग्रेन विद स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन बोल के नहीं बता सकता कि मैं पॉलन ग्रेन हूं और मैं स्टिग्मा तुम्हारे ऊपर आ चुका हूं, है ना, ना ही स्टिग्मा देख सकती है, स्टिग्मा में तो एक्सपोज है, उसमें तो बहुत बहुत सारी चीजें गिरती होंगी, कोई डस्ट पार्टिकल गिर जाएगा, क्या स्टिग्मा उसे पॉलन ग्रेन समझ लेगी, नहीं। तो पॉलन ग्रेन के ऊपर सर्टेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्टिग्मा को सिग्नल करते हैं कि हाँ मैं उस तुम्हारे ऊपर आ चुका हूं। वन सच केमिकल्स आर हॉर्मोन्स, और जनरली ये ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं जो स्टिग्मा फील कर लेती है, इंटरैक्ट कर जाती है उससे और पता चल जाता है कि उसके पॉलन ग्रेन आ चुका है। तो ये जो पॉलन ग्रेन के ऊपर ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं जैसे ऑक्सिन, इसकी कोटिंग भी टैपेटम करवाता है, सेक्रीट करता है टैपेटम इन हॉर्मोन्स को, और ये हॉर्मोन जाके कोट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर और ये बाद में हेल्प करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आगे देखें। तो अपने पास नेक्स्ट है, पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म्स इज रिलीज्ड एट, तो कौन से स्टेज में वो रिलीज होते हैं, पहला है वन सेल्ड स्टेज, मोस्टली एट टू सेल्ड स्टेज, थ्री सेल्ड स्टेज, टू और थ्री सेल्ड स्टेज। अपने को पता है कि ये नहीं है आंसर, है ना, थ्री सेल्ड स्टेज ये भी नहीं है आंसर, हम कंफ्यूज हो गए, मोस्टली एट टू सेल्ड स्टेज एंड टू और थ्री सेल्ड स्टेज। तो बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ ज्यादातर एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, जिसमें से एक सेल होता है जनरेटिव और एक होता है वेजिटेटिव सेल, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो ये करेक्ट है अपने लिए।
लेकिन फोर्थ वाला देखो, टू और थ्री सेल स्टेज, तो 40% ऐसे भी तो हैं एंजियोस्पर्म जिसमें थ्री सेल स्टेज में होता है पॉलन एनालिस। तो फिर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट दोनों में से ढूंढना है। तो हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, जिसमें कभी गलती नहीं हो सकती, वो क्या है? यस, टू और थ्री सेल स्टेज। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या चुनेंगे, जो बिल्कुल यूनिवर्सल है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना भाई, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में रिलीज होते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ में थ्री सेल्ड में भी होते हैं। तो टू और थ्री सेल स्टेज विल बी अवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना था, सेकेंड भी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन हमें एक ही चूज करना है, तो वी विल चूज ऑप्शन नंबर फोर बिकॉज इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देन अगला टर्म आ रहा है एंथेसिस, ठीक है, एंथेसिस। अभी एंथेसिस जैसे ही हम देखते हैं तो हमें जब यह चैप्टर पढ़ा होता है तो लगता है कि कुछ तो एंथर से रिलेटेड चीज है क्योंकि एंथेसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंथेसिस हम बोलते हैं क्या, जो फ्लोरल बड होती है ना, कली होती है फ्लावर की, उसे उसके खुलने के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एंथेसिस बोलते हैं। तो एंथेसिस इज ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड। चलिए तो नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एम्ब्रियो सैक एंड माइक्रोपाइल लाई एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल द ओव्यूल इज, यानी अगर मैं बनाऊं इस क्वेश्चन को डायग्राम में, तो ऐसा, है ना, तो ये है फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल से अगर ये फ्यूनिकल बनाया मैंने ये, तो इससे 90 डिग्री पे क्या है, इससे 90 डिग्री पे है ये न्यूसेलस, ठीक है, माइक्रोपाइल, एंड एम्ब्रियो सैक। तो ये फ्यूनिकल के 90 डिग्री पे है। तो इस तरीके के एम्ब्रियो सैक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगर जब ओव्यूल एकदम स्ट्रेट होता है ना, एकदम स्ट्रेट ओव्यूल होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं बताइए, तब उसे बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, है ना। और जब वो 180 डिग्री पे घूम जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं, जो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में मिलता है। और अगर 180 से आधा घूमे ऐसा जैसा इसमें दिख रहा है 90 डिग्री पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आधे के टर्म हेमी, तो हेमी एनाट्रोपस बोलेंगे ना, यस, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये कंडीशन हो गई अपने इस क्वेश्चन की, हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी ना सभी तरीके के, आपको पता होना चाहिए। अब सम अनयूज्ड पार्ट, यूजुअली क्या होता है, जो न्यूसेलस होता है ना ओव्यूल के अंदर, यानी ये पार्ट, ये वाला, ये जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर होता जाता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, फर्टिलाइजेशन होता जाता है इसके अंदर फीमेल गैमेट से और सेकेंडरी न्यूक्लियस से, वैसे वैसे न्यूसेलस का जो न्यूट्रिशन है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता रहता है और वो न्यूसेलस ख़त्म होता रहता है ना। तो अल्टीमेट फेट क्या होता है न्यूसेलस का, कि वो ख़त्म हो जाता है। तो न्यूसेलस इज डीजनरेटेड, इट इज टोटली कंज्यूम्ड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, है ना। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये रह जाता है, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये न्यूसेलस जो है वो इट रिमेन्स, वो रह जाता है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पेरिस्पर्म। तो सम अनयूज्ड पार्ट ऑफ न्यूसेलस दैट इज लेफ्ट इन द सीड दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, याद रखिएगा इसको, दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। बाकी ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए ओव्यूल इज कर्व्ड बट स्टैंड्स एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल एंड इज फिक्स्ड टू इट एट द मिडिल ऑफ द चलाजा एंड माइक्रोपाइल इट इज कॉल्ड। तो जब एक ओव्यूल कर्व्ड है, राइट एंगल पे है, फ्यूनिकल के साथ फिक्स्ड है, ठीक है, मिडिल ऑफ द चलाजा पे,
एंड माइक्रोपाइल इट इज कॉल्ड, तब उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम क्या बोलेंगे उस कंडीशन में? तो अपन मना लेते हैं, द ओव्यूल इज कर्व्ड बट स्टैंड्स एट राइट एंगल, राइट एंगल पे है, कर्व्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर्व्ड है लेकिन राइट एंगल पे है, यानी यही कंडीशन है। और अगर ओव्यूल थोड़ा सा कर्व्ड है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है कि नहीं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड, विंडो चला सा टू इट्स फिक्स्ड माइक्रोपाइल। ऑर्थोट्रॉपस तो अपन बोल नहीं सकते, ऑर्थोट्रॉपस तो एकदम स्ट्रेट ओव्यूल होता है, देखो बना देता हूं ऐसा, है ना, ये ऑर्थोट्रॉपस हो गया। देन कंपाइलोट्रॉपस याद है, कंपाइलोट्रॉपस का मतलब जिसमें अपना ओव्यूल का माइक्रोपाइल ऐसे कर्व रहता है और बाकी ओव्यूल 90 डिग्री हेमी एनाट्रोपस के जैसे रहता है। एम्फीट्रोपस में जब ओव्यूल भी कर्व हो और एम्ब्रियो सैक भी कर्व हो के क्या बन जाए, हॉर्स शू शेप का बन जाए, तब उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस बोलते हैं। एनाट्रोपस पता ही है जो अपने नॉर्मल एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा अपना, कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है, द ओव्यूल व्हिच इज हियर इज कैम्पाइलोट्रोपस। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स, हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू प्रोड्यूस 64 पॉलन ग्रेन्स। तो 64 पॉलन ग्रेन्स बनने के लिए कितनी पॉलन मदर सेल्स रिक्वायर्ड होंगे, है ना, आइए देखते हैं। लेट्स सी, तो अगर एक पॉलन मदर सेल है, अगर एक पॉलन मदर सेल है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल सेम चीज है, जब इसमें एक मियोसिस होगा, जब इसमें मियोसिस हुआ तो बने चार माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, क्या बने, चार माइक्रोस्पोर्स, और यही माइक्रो हर एक माइक्रोस्पोर पॉलिनेट में डेवलप हो जाता है। तो यानी कहें तो क्या बने हैं, चार पॉलन ग्रेन बने हैं, किससे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक पॉलन मदर सेल से। तो अगर एक से चार बन रहे हैं तो हमें कितने चाहिए, 64 चाहिए, हमें कितने चाहिए, 64 चाहिए। तो बताओ 4 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 64 आ जाए, हाउ मेनी शुड बी मल्टीप्लाइड विद द 4 की 64 आए, बताइए, हाउ मच टाइम या विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद 4 दैट 64 अराइज, यस, सोचिए। तो कुछ नहीं भाई, 64 से डिवाइड कर दो 4 को, 4 वन जा 4, 24, 4 सिक्स जा, यस 24, तो यहां पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका बनेगा कितना, 64 पॉलिनेशन। यानी अगर आपने इसको भी किया 16 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 16 से मल्टीप्लाई करिए, तो 16 पॉलन मदर सेल विल गिव राइज टू 64 पॉलन रेन्स, यस और नो भाई, एक पॉलन रेन, एक पॉलन मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पॉलन रेन बन रहे हैं, ठीक है, हमें चाहिए 64, तो मल्टीप्लाई बाय 16 ऑन बोथ साइड्स, यस दैट इज 16, क्लियर है कि नहीं भाई, मैथ थोड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी बायो के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अरे क्या सेम क्वेश्चन है, नहीं, ओव्यूल का अलग क्वेश्चन, व्हेन द ओव्यूल इज कर्व्ड, ओव्यूल कर्व्ड है, कर्वेचर ज्यादा है, ठीक है, लो खत्म हो गई कहानी यहीं से, एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड है और हॉर्स शू शेप का आ गया, एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप का, यस आंसर इज एम्फीट्रोपस, खत्म, है ना, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को। आइए नेक्स्ट, अ माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करता है, माइक्रोटर्म लगाए तो क्या मेल का स्ट्रक्चर होगा कि फीमेल का, यस माइक्रो मतलब मेल,
तो भाई ओव्यूल नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो फीमेल सेसेड स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक नहीं, क्योंकि ये भी फीमेल सेसेड स्ट्रक्चर। अपने पास बचा दो, अ माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स अ पॉलन सैक या पॉलन ग्रेन। एकदम क्लियर है कि क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। अभी जस्ट इसके पहले दो, एक क्वेश्चन पहले जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, उस तरीके से ही है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, इफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन ए फ्लावरिंग प्लांट इज 12, ठीक है, अगर एक फ्लावरिंग प्लांट में 2n इज इक्वल टू 12, 2n इज इक्वल टू 12, देन 6 क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंटेड। तो उसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा। तो कॉटिलीडनरी सेल्स यानी कॉटिलीडन्स दे आर डिप्लॉइड। सिनर्जिड, यस सिनर्जिड, क्योंकि एम्ब्रियो सैक का सेल है तो ये हैप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, ऑलरेडी डिस्कस है। लीफ सेल, लीफ सेल नॉर्मल प्लांट सेल है, इट इज डिप्लॉइड। ओके, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर्स है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्लोज फ्लावर्स। तो ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये अपने को किसमें हेल्प करता है, क्रॉस पॉलिनेशन में कि सेल पॉलिनेशन में, ये सेल पॉलिनेशन में। तो आंसर है सेल पॉलिनेशन। एग्जांपल याद है इनका क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, इट इज ऑक्सैलिस, कॉमलिना एंड वायोला। साथ में याद रखना है जिन प्लांट्स में क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा तो उनमें सिर्फ क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा ये जरूरी नहीं है, उनमें नॉर्मल चैस्मोगैमस यानी ओपन फ्लावर्स भी होते हैं। तो उनके ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो एरियल फ्लावर है यानी जो प्लांट में ऊपर की तरफ है वो चैस्मोगैमस ओपन फ्लावर है, और जो अंडरग्राउंड है वो क्लोज फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटर्नल वाटर इज नॉट एसेंशियल फॉर, यानी वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल किनमें नहीं है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। तो यहां पे पहले मैं तुम्हें सही आंसर डिस्कस करता हूं, बाद में अपन बाकी को डिस्कस करेंगे। तो स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्म इन केस ऑफ बॉटनी, ठीक है, बॉटनी में प्लांट साइंसेज में स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट जो सीड बनाते हैं दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा में यानी सीड बियरिंग प्लांट में अपने पास दो तरीके के प्लांट ग्रुप्स आते हैं। एक ऐसे प्लांट जिनके सीड हमेशा नेकेड होते हैं, दे आर नॉट कवर्ड, दे आर जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरे होते हैं जिनके सीड फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं यानी कवर्ड सीड होते हैं, दे आर एंजियोस्पर्म्स। इस केस में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन के लिए यानी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, है ना। तो एक्सटर्नल वाटर इज नॉट एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन स्पर्मेटोफाइटा, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब थैलोफाइट्स, थैलोफाइटा का मतलब हमारे लिए यहां पर हो गया एल्गी। देन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट अपने मॉसेस हो गए, टेरिडोफाइट अपने फर्न्स हो गए। और इन तीनों में वाटर को एसेंशियल माना जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इनका मेल गैमीट पानी में तैरता हुआ फीमेल के पास पहुंचता है, ठीक है, तो वाटर इनके लिए एसेंशियल है, ठीक है, इनके लिए वाटर एसेंशियल है। अब वहीं अगर हम जिम्नोस्पर्म में आए ना, ध्यान सुनिएगा अंदर क्या बता रहा हूं, जिम्नोस्पर्म में आए तो इनके लिए विंड एसेंशियल है, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन का एक ही मेथड है वो है विंड। तो इसके लिए विंड एसेंशियल है, और इसके लिए विंड वाटर सब कुछ चलता है, ये किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है। ऐसा अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे
द फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर जो फंक्शनल है अंडरगोज, याद करिए जो अपना मेगास्पोर मदर सेल होता है, पूरा अपन फिर से समझा देते हैं तुमको, टेंशन नहीं लो। देखो तो अज्यूम करते हैं कि ये अपना है मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होगा, है ना। इससे क्या बनता है, इसमें होता है मियोसिस और बनते हैं चार मेगा स्पोर, चार मेगा स्पोर जो कि हैप्लॉयड होते हैं, कैलोज से कवर होते हैं, लीनियर टेट्राड बनता है मेगा स्पोर का। ठीक है, अगर हम माने कि ये चलाजल एंड है, क्योंकि ये सब ओव्यूल के अंदर हो रहा है, तो ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से तीन जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, और जो चलाजल की तरफ बचा है यही बचता है सिर्फ, और इससे हम बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर फिर इट अंडरगोज थ्री न्यूक्लियर यानी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद इसमें क्या होता था, साइटोकाइनेसिस, उसके बाद इसमें हुआ साइटोकाइनेसिस और तब बना अपना एम्ब्रियो सेल विच वॉज सेवन सेल्ड बट एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता था इसके इसमें इसके बाद। तो द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज टू मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक, थ्री माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मैच्योर एम्ब्रियो सैक, टू माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मैच्योर एम्ब्रियो सैक, या थ्री मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मीन्स मियोसिस या और माइटोटिक मीन्स माइ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हो रहा है, थ्री माइटोटिक डिवीजन, और हम अगर एकदम क्लियरली बोले तो पहले थ्री प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। तो हमारा आंसर एनी हाउ यहां पे क्या हो जाएगा, थ्री माइटोटिक डिवीजन्स टू फॉर्म मैच्योर एम्ब्रियो सैक। क्लियर है कि नहीं। देन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, तो अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कंटेन्स स्पोरोजेनस टिश्यू। तो स्पोरोजेनस टिश्यू कौन से प्लांट में होता है, फ्लावरिंग प्लांट कौन से पार्ट में होता है फ्लावरिंग प्लांट के। स्पोरोजेनस टिश्यू का मतलब क्या हुआ, ऐसा टिश्यू जिससे स्पोर मदर सेल बनेगा, है ना, ऐसा टिश्यू जिससे स्पोर मदर सेल बनेगा। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा हिस्सा होना चाहिए प्लांट पार्ट का जो कि क्या हो, जो कि एक स्पोरेंजियम हो, जो कि क्या हो, एक स्पोरेंजियम हो। भाई स्पोरेंजियम के अंदर ही तो क्या होंगे, स्पोर्स है होंगे कि नहीं होंगे। हमारे पास दो तरह के स्पोरेंजियम होते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर फीमेल सॉरी मेल के माइक्रोस्पोर्स यानी मेल के स्पोर्स रहेंगे जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, और दूसरा होता है मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर्स यानी फीमेल वाले स्पोर्स रहेंगे, है कि नहीं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम इज टर्म गिवन टू पॉलन सैक्स, ध्यान देंगे पॉलन सैक बोल रहा हूं मैं, ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम इज टर्म गिवन टू ओव्यूल। क्लियर, अब आइए देख लेते हैं इसमें से। तो इसमें यंग एंथर, यस, तो पॉलन सैक किसके अंदर पाया जाता है, एंथर के अंदर पाया जाता है, अवर आंसर विल बी एंथर। क्लियर,
ये कंफ्यूजन। देन कॉमनली इन ए मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, एक मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर आपको बताना है कि कौन से सेल हैप्लॉइड हैं, कौन से डिप्लॉइड हैं और कौन से ट्रिप्लॉइड हैं। तो अपन यहीं पे कर लेते हैं इसको। हैप्लॉइड क्या होंगे? सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। डिप्लॉइड क्या होंगे? ओव्यूल के सेल्स आउटसाइड एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल के वो सेल जो एम्ब्रियो सैक के बाहर है वो क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। 3N क्या होगा? 3N हो सकता है तुम्हारा या तो एंडोस्पर्म, या एंडोस्पर्म जिससे बनता है दैट इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर? तो आइए इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैप्लॉइड एंटीपोडल हैप्लॉइड होता है, यस होता है। एग सेल हैप्लॉइड होता है, होता है। एंडोस्पर्म ये 3N होता है, तो अपन ये ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि अपने को पहले क्या देखना है? हैप्लॉइड। तो अपने तीन में से कोई एक ऑप्शन होगा। सेकेंड यहां पे दे दिया एग, तो एग इज हैप्लॉइड। सेकेंड हमें क्या चाहिए था? डिप्लॉइड वाला, तो अपना ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। इसमें सेकेंड क्या दिया? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, तो सेकेंड हमें क्या चाहिए लेकिन वहां के रिस्पेक्टिवली के हिसाब से? डिप्लॉइड, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो। करेक्ट आंसर इज दिस। नो, एक्चुअली इस क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, बस सबकी प्लॉयडी लिख के यहां पे छोड़ देते हैं, है ना। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सबकी बस प्लॉयडी लिख के अपन छोड़ दें यहां पे, उतना ही काफी है। हमें चीजें बस समझ में आनी चाहिए, है ना। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं तो हम ये डीपीपी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आपको डीपीपी का डिस्कशन समझ में आया होगा। तो आप कोशिश करें हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से करने की, लेकिन सबसे पहले इसके पहले के सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, समझें और तभी डीपीपी को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए अपना लेक्चर ओवर हो चुका है, यहीं तक हम पढ़ेंगे। ये इतने ही क्वेश्चंस अपने को करने थे। दिस डीपीपी इज ओवर, इट कंटेन्स ओनली 22 क्वेश्चंस। आप अच्छे से सॉल्व करिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, और भी आपको डीपीपीज दिए जाएंगे और टाइम टू टाइम उसका सोल्यूशन यहाँ पे किया